सो आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे कुछ कमाल की तड़कती भड़कती न्यूज के बारे में जो कि आ रही है हमारी पीसी टेक इंडस्ट्री के करता धरता ब्रांड्स की तरफ से। सो वीडियो को पूरे एंड तक देखिए और कहीं मत जाएगा, वी विल बी राइट बैक। बट उससे पहले बात कर लें आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में जो कि है हम खुद। आज ही बात करें परफेक्ट गेमिंग या फिर प्रोडक्टिविटी पीसी, विजिट करें www.techdreams.co.in और यहाँ पर जाकर आप चूज कर सकते हैं हमारे प्रीबिल्ट मशीन्स में से, या फिर किसी तरह की कस्टमाइजेशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफलाइन रिटेल आउटलेट को विजिट कर सकते हैं जो कि सिचुएटेड है जनकपुर डिस्ट्रिक्ट सेंटर में। और अगर आप बाय करना चाहते हैं सबसे पहली न्यूज आ रही है टीम रेड यानी कि एएमडी की तरफ से, जिनकी जो खबर है वो ये है कि 25 मई 2023 को रिलीज होने वाला है द रेडियन आरएक्स 7600। और अगर आप videocards.com पर जाकर चेक करेंगे तो वहां पर आपको कुछ लीक्स मिलेंगे जिसमें आप देखेंगे कि सिंगापुर के कुछ ऐसे रिटेलर्स भी हैं जिनकी शेल्फ पर आपको ऑलरेडी कार्ड्स रखे हुए दिख रहे होंगे, फोटोज प्रॉपर लीक हो चुकी है और वहां पर सेफायर के जो पल्स एडिशन आरएक्स 7600 है कार्ड्स आपको रखे हुए दिख रहे होंगे। अब इससे कुछ चीजें कंफर्म हो जाती है, जैसे कि पहली बात ये कि ये सेफायर की तरफ से है, दूसरी चीज 32 CUs आपको मिल रहे हैं, 32 MB इन्फिनिटी कैशे मिलने वाली है और जी हाँ ये कार्ड्स भी 8 GB GDDR6 VRAM के साथ में आने वाले हैं। बाकी कुछ ही दिन की और बात है, फिर देखते हैं कि प्राइसिंग क्या रहने वाली है एंड इंडिया में इनको खरीदना सेंसिबल बनता भी है या नहीं बनता। नेक्स्ट न्यूज दोस्तों आ रही है टीम ग्रीन यानी कि एनवीडिया की तरफ से। आपको याद होगा लास्ट न्यूज वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे RTX 4060 Ti के कुछ कट डाउन स्पेक्स जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर बन सकते हैं उसकी सेल्स के लिए और उसके परफॉर्मेंस के लिए, बट यहां पर एनवीडिया ने कुछ चीजें बदल दी हैं। और इन चेंजेस की बात करें तो ट्विटर पर एक रीनोन लीकर मेगा साइज जीपीयू, उनकी ट्वीट अगर आप देखेंगे तो इट सेज कि एनवीडिया आरटीएक्स 4060 टीआई 8 GB और 16 GB दोनों वेरिएंट्स में रिलीज होने वाला है एंड जुलाई में ही आपका जो 16 GB वेरिएंट है वो भी लॉन्च कर दिया जाएगा। आई नो सुनने में काफी स्ट्रेंज सा लग रहा है बट आपको याद होगा कि लास्ट जनरेशन में भी जो अपना आरटीएक्स 3060 था वो 12 GB वीराम के साथ में आया था एंड 3060 टीआई और 3070 दोनों 8 GB के साथ आते थे, तो दोनों से ही ज्यादा मतलब अपने जो सक्सेसर कार्ड से उनसे भी ज्यादा वीराम के साथ में 3060 आता था। तो हो सकता है कि इस बार ये जो बात है कि 4060 Ti 16 GB VRAM के साथ में आने वाला है ये सच हो सकती है और वैसे भी अगर NVIDIA है तो मुमकिन है। एनीवेज जो 8 GB VRAM वाला RTX 4060 Ti है वो 24 मई को लॉन्च हो जाएगा, विच इज एग्जैक्टली वन डे प्रायर टू द रेडियन लॉन्च। और अब इस पॉइंट पर आकर आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन मिड रेंज ग्राफिक्स कार्ड मार्केट में भी NVIDIA AMD दोनों की तरफ से देखने को मिलने वाला है। बस कुछ ही दिनों की कुछ ही हफ्तों की और बात है, उसके बाद में आपके रिटेलर्स की शेल्फ्स पर आपको ये कार्ड फॉर सेल देखने को इंडिया में मिल जाएंगे। बाकी इसी मिड रेंज प्राइस सेगमेंट की अगर बात करें, अगर आप लोगों को चूज करने का मौका मिले तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आप RX 7600 को चूज करना चाहेंगे या आप RTX 4060 Ti या 4060 में से किसी ग्राफिक्स कार्ड को चूज करना चाहेंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताना अपने ओपिनियंस और अपना चॉइस। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कीजिए लाइक, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दबाइए उस बेल आइकन को भी ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, टिल देन चीयर्स।